हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने तीन टॉपिक्स के बारे में जो कि हमारे बचा हुआ है चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन से। तो हमारे तीन टॉपिक्स जो है वो कौन कौन से हैं आज के वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है साइज ऑफ इंडिया, सेकेंड टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड थर्ड टॉपिक है इंडियाज नेबर्स यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो हम लोग अपना पहला टॉपिक जो है साइज ऑफ इंडिया वो स्टार्ट करते हैं। साइज ऑफ इंडिया हमारा पहला पॉइंट इसमें है लैंड एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इंडिया जो है इंडिया की टोटल लैंड एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। हमारा अगला पॉइंट है इसमें कंसिस्ट 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना ज्योग्राफिकल एरिया है यानी पूरे वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% इंडिया में है। हमारा अगला पॉइंट है इसमें सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, यानी इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, ठीक है, यानी इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में एरिया वाइज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, यानी एरिया जो है वो सबसे बड़ा है, सातवां सबसे बड़ा है। अगला पॉइंट हमारा है इसमें लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के लैंड बाउंड्री के बारे में, यानी लैंड का जो बाउंड्री वो कौन कौन से कंट्री से कनेक्टेड है, तो कौन कौन से कंट्रीज नहीं इसमें हम लोग देखेंगे कि किलोमीटर्स कितना है। तो हमारा किलोमीटर्स इसमें है 15,200 किलोमीटर, यानी इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री जो है दैट इज 15,200 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट हमारा इसमें आता है क्या, कोस्ट लाइन बाउंड्री कहने का मतलब वैसा कोस्ट मतलब होता है समुद्री किनारा, यानी इंडिया का जो समुद्री किनारा है उसका जो बाउंड्री है वो कितना है, तो दैट इज 7,516.6 किलोमीटर एंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। अगर हम लोग बात करते हैं कि कोस्ट लाइन बाउंड्री क्या है, तो अगर हम लोग सपोज करते हैं कि ये इंडियन पेनिनसुला है, तो ये वाला जो एरिया हुआ है गुजरात से वेस्ट बंगाल तक, ये एरिया जो है वो इंडिया का कोस्ट लाइन बाउंड्री है। तो हमारा जो ये डिस्टेंस है 7,516.6 किलोमीटर, वो ये जो मेनलैंड का कोस्ट लाइन है वो, और इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है और इधर लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ये तीनों को इंक्लूड करके 7,516.6 किलोमीटर है। हमारा अगला पॉइंट है बाउंडेड बाय फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया है वो माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है, बाउंडेड यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ये जो एरिया है ये हमारा हिमालयन माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स जो कि माउंटेन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज एक फोल्ड माउंटेन रेंज के रेंज में आता है, और इंडिया जो है इससे बाउंडेड है। नॉर्थ वेस्ट अगर हम लोग बात करें जम्मू एंड कश्मीर से नीचे पंजाब वगैरह के एरिया से स्टार्ट होकर के जम्मू एंड कश्मीर होते हुए नीचे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तक ये हिमालयन माउंटेन रेंज कंटिन्यू करता है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा क्या है, साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि अगर ये इंडिया हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो अगर हम लोग का ये वाला जो एरिया आता है ये मध्य प्रदेश आता है, और यहाँ जो लैटिट्यूड गुजरता है वो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास होता है, और ये हमारा एरिया है मध्य प्रदेश। अगर हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के बाद, तो टैपर, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है टैपर, टैपर मतलब होता है विड्थ कम होना, रेडियस इन विड्थ यानी चौड़ाई कम होना, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं तो देखते हैं कि ये वाला एरिया है इसकी विड्थ जो है इसकी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे इंडिया जो है वो नीचे की तरफ बढ़ते हैं यानी 22 डिग्री नॉर्थ से हम लोग साउथ की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो एरिया है वो धीरे धीरे इसकी विड्थ जो है वो कम होती है, और कम होते होते ये लास्ट जो है वो इंडियन ओशन तक कंटिन्यू करती है। यहाँ हमारा इंडियन ओशन है और ये इंडियन ओशन तक कंटिन्यू करती है। हमारा अगला पॉइंट है पेनिनसुला डिवाइड्स इंडियन ओशन इन टू पार्ट्स, देखते हैं इसमें हम लोग आगे। हमारा अगला पॉइंट है इसमें पेनिनसुला डिवाइड्स इंडियन ओशन इन टू पार्ट्स। तो अभी इसमें हम लोग बात करते हैं इंडियन पेनिनसुला जो है वो इंडियन पेनिनसुला जो है इंडियन ओशन को डिवाइड करता है दो पार्ट में, कैसे देखते हैं। अगर हम लोग इसको जैसे कि ये अगर हम लोग इंडिया का एक पेनिनसुलर पार्ट अगर कंसीडर करते हैं, ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट, तो हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया जो है वो तीन तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। फर्स्ट है ये हमारा इंडियन ओशन है, एंड इंडियन ओशन को जब यहां हम लोगों ने जो लाइन पढ़ाई है पेनिनसुलर डिवाइडेड इंडियन ओशन इन टू पार्ट्स या डिवाइड्स सॉरी
डिवाइड्स इंडियन ओशन इन टू पार्ट्स, ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, यानी जब पेनिनसुलर लैंड जो है वो यहाँ तक इंक्रीज करता है तो यहाँ इंडियन ओशन है, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट ये है बीओबी, दैट इज बे ऑफ बंगाल, एंड दिस वन इज अरेबियन सी। यानी हमारा इंडियन ओशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट ऑफ वन ऑल ये बे ऑफ बंगाल एंड सेकेंड वन इज अरेबियन सी। और अगर हम लोग जैसे बात करते हैं इंडियन ओशन, बहुत जगह क्वेश्चंस ये हम लोग देखने के लिए आता है कि इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों है, और किसी भी कॉन्टिनेंट के नाम पे उतना ज्यादा ओशंस का नाम नहीं है, लेकिन इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के नाम पे है, तो ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है कि इंडिया का सबसे ज्यादा लंबा जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन को टच करता है, और इसी के वजह से इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे रखा गया है। हमारा इसमें अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं, टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम लैग है। टाइम लैग मतलब होता है डिफरेंस, यानी इंडिया में ही 2 घंटे का टाइम लैग या टाइम डिफरेंस है, कहां से कहां तक? गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुजरात इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है एंड अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंस के टाइम लैग की, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो अगर हम लोग जैसे तो अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है, तो फिर इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कैसे होता है? तो इसमें हम लोग बात करते हैं डिसाइड कैसे होता है, तो उसके लिए ये हमारे यहाँ एक सेंटर में जगह है 82° 30' लैटिट्यूड पे, जिसका नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, और ये जो 82° 30' नॉर्थ लैटिट्यूड जो है, ये सॉरी 82° 30' जो मिर्जापुर यूपी में जो लाइन है, इसके इसको हम लोग ये जो है इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में पड़ता है, करीब करीब ये सेंटर में पड़ता है, इसलिए इंडिया का टाइम जो है वो 82° 30' मिर्जापुर से डिसाइड होता है, और यही इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। यानी 82° 30' पे जो टाइम डिसाइड होता है वो इंडिया का एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। इसमें हम लोग अब हम लोग इस वीडियो के बाद अगला टॉपिक अपना पढ़ेंगे, जो कि है इंडिया एंड द वर्ल्ड। हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक को, इंडिया एंड द वर्ल्ड को। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी इंडिया एंड वर्ल्ड के बीच में क्या कनेक्शन है वो हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट इसमें है सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में, तो इंडिया का लोकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट स्टिल इसमें हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है वो सेंटर में है। अगर हम लोग एशिया, पूरे एशिया को देखते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, तो एशिया के बीचों बीच यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न एशिया के बीच में इंडिया का लोकेशन है। हमारा अगला पॉइंट इसमें क्या, साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया का साउथ एशिया का साउथ वार्ड एक्सटेंशन जो है वो इंडिया है। अगर हम लोग इसे मैप में समझते हैं तो मैप में हम लोग इसे ऐसे देख सकते हैं, जैसे अगर ये अर्थ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारा, और ये अगर एशिया है, कॉन्टिनेंट है, और इंडिया की लोकेशन यहाँ है, तो एक तो जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि फर्स्ट पॉइंट में था कि ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में है, ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया के बीच में इंडिया है, और सेकंड हमारा क्या है, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अगर हमारे ये एशिया कॉन्टिनेंट है तो इंडिया अगर यहाँ है तो ये इंडिया का है, एशिया के तरफ से साउथवर्ड एक्सटेंशन है, यानी एशिया के साउदर्न पार्ट में जो है वो इंडिया है। हमारा अगला पॉइंट क्या है, लोकेशन ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। और अगर हम लोग बात करें कि इंडिया अगर यहाँ है, इसे फ्रेश देखते हैं, कि अगर मान लीजिए ये एशिया है और इंडिया यहाँ लोकेटेड है, तो इंडिया का जो है ये स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है। अब बोलेंगे स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन का मतलब क्या है, कि अगर जैसे हम लोग इंडिया की बात करते हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया है, तो ये वाला जो एरिया है, जैसे हम लोगों ने देखा था ये जो है कोस्ट लाइन बाउंड्री है इंडिया का, तो यानी इधर से हम लोग वेस्टर्न पार्ट में पूरे वर्ल्ड के, और इधर से हम लोग पूरे वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में कॉन्टेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि इंडिया का ये स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडियन ओशन, ये
पॉइंट को हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा है और इसी की वजह से इंडियन ओशन का नाम इंडिया के बाद रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंडियन कॉन्टैक्ट्स थ्रू लैंड रूट्स आर ओल्डर देन मैरीटाइम रूट्स। ये बात सही है क्योंकि इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है पूरे वर्ल्ड से, यानी पूरे वर्ल्ड के जो ट्रेवलर्स वगैरह जो भी फिलोसफर्स इंडिया विजिट किए वो सारे लोग जो है वो लैंड रूट्स के थ्रू आए। मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से ज्यादा पुराना हमारा लैंड रूट है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बड़े बड़े बोट्स नहीं थे ताकि हम लोग ओशंस को क्रॉस कर सके। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट इसमें क्या है, वेरियस पासेस प्रोवाइडेड वे टू ट्रेवलर्स। बहुत सारे पासेस जो हैं इंडिया में, इंडिया के डिफरेंट माउंटेन रेंजेस में जो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस में जो पासेज हैं, अलग अलग पासेज हैं, वो फॉरेन ट्रेवलर्स को अलाउ किए इंडिया में विजिट करने के लिए, और उनके आने की वजह से इंडिया में क्या हुआ, उनके आइडियाज एंड कमोडिटीज का एक्सचेंज हुआ। यानी वो उन्होंने अपने आइडियाज और कमोडिटीज को हमें दिया और हमने अपने आइडियाज एंड कमोडिटीज को उन्हें दिया। जैसे कि अगर हम लोग आजकल नॉर्मल डेज की बात करें तो हम लोग ग्रीक से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि ग्रीक के बहुत सारे जो मिनारेट्स हैं, डोम्स के स्ट्रक्चर्स हैं, वो इंडिया में आज भी उन्हीं की तरह के मिलते हैं। यानी उनके कल्चर को हम लोगों ने एक तरह से एक्सेप्ट किया है। इसके बाद हमारा अगला इसमें टॉपिक जो आएगा वो है हमारा इंडियाज नेबर्स, यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो हम लोग देखते हैं अपना अगला पॉइंट, सॉरी अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है इंडियाज नेबर्स, यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो हमारा पहला इसमें पॉइंट है ऑक्यूपाइज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है वो तीन तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन है और इधर अरेबियन सी है, और इसके वजह से इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि इधर के कोस्ट से, ईस्टर्न कोस्ट से हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ भी विजिट कर सकते हैं एंड वेस्टर्न कोस्ट से हम लोग वेस्टर्न कंट्री की तरफ भी विजिट कर सकते हैं, और ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। हमारा अगला पॉइंट इसमें क्या है, हमारा अगला पॉइंट है इंडिया हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज। इंडिया में क्या है, 29 राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं और 7 यूटीज हैं, यानी 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। लेकिन ये हमारे एनसीईआरटी के, यानी हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग है, कि हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग जो है 29 स्टेट्स दिए हुए हैं हमारे बुक्स में, 7 यूनियन टेरिटरीज दिए हैं। लेकिन अगर हम लोग आज की बात करें, आज जैसे हम लोग 2020 है, तो 2020 में ये सीन जो है, ये जो डाटा है वो थोड़ा चेंज हो गया है। थोड़ा चेंज होकर के क्या हो गया है, जो हमारे 29 स्टेट्स थे वो अब कन्वर्ट होकर 28 स्टेट्स हो गए हैं। अब बोलेंगे कि इसमें कौन सा स्टेट कम हो गया, तो हमारा स्टेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वो हमारा अब जो है वो यूनियन टेरिटरी हो गया है, जम्मू एंड लद्दाख। तो हमारा क्या हो गया, एक 29 स्टेट से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स के कैटेगरी से अलग हो गया, तो हमारा स्टेट्स बच गया 28। और हम लोग यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जो हमारे 7 यूनियन टेरिटरीज थे अब वो दो और बढ़ गए और ये बढ़ करके हो गए 9 यूटीज। यानी करंट डाटा के हिसाब से इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। और इसके आगे हम लोग अगला पॉइंट जो हमारा पढ़ना है, अगला पॉइंट है कि हमारे इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यानी हमारे ओशंस बाउंड्री से कौन कौन से देश लगते हैं और हमारे लैंड बाउंड्री से कौन कौन से देश लगते हैं। तो इसके लिए हमें मैप का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं मैप्स के थ्रू। हमारा अगला पॉइंट है इसमें इंडिया के नेबर कंट्रीज के बारे में, यानी इंडिया के नेबर कंट्रीज जो लैंड एरिया से इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो पहला हमारा कंट्री आता है पाकिस्तान एंड नेक्स्ट है हमारा अफगानिस्तान, जो कि हमारे की इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में लोकेटेड है। उसके बाद हमारा आता है चाइना, नेपाल एंड ये है भूटान। तो ये चाइना, नेपाल और भूटान, चाइना जो है वो तिब्बत भी उसे कह सकते हैं, ये एरिया जो है वो इंडिया के नॉर्थ साइड में लोकेटेड है। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड जो स्टेट है, सॉरी कंट्री जो है वो हमारा है म्यांमार एंड बांग्लादेश। दिस वन इज बांग्लादेश एंड दिस वन इज म्यांमार। ये एरिया जो लोकेटेड है वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। एंड इसके बाद जो हमारा ओशन बाउंड्री जिस कंट्री से टच करता है इंडिया का, वो हमारा पहला कंट्री है श्रीलंका, दिस वन इज श्रीलंका। एंड इसके बाद है ये मालदीव्स। ये दोनों कंट्री जो है वो इंडिया के ओशन यानी मैरीटाइम बाउंड्रीज को टच करते हैं। इसके बाद हमारा इसमें एक अगला पॉइंट इसमें जो आता है वो हमारा क्या है, श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार फ्रॉम इंडिया। ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच में जो एरिया है, ये एरिया जो है यहां जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार है एंड पाक स्ट्रेट है, और
पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका को इंडिया से अलग करती है। और यहाँ जो है मालदीव्स आइलैंड्स जो है ठीक है आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ये इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड्स है और यहाँ से मालदीव्स आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप के साउथ में लोकेटेड है। और अगर हम लोग इसी तरह आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ द नेवर्स। और इंडिया की जो नेवर कंट्री जितने भी हैं उसे इंडिया का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ज्योग्राफिकल रिलेशंस एंड हिस्टोरिकल रिलेशंस, यानी ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स जो है इंडिया का वो काफी अच्छा है अपने पड़ोसी देशों के साथ। ये चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन यहाँ हमारा समाप्त होता है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।